नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या है। तो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या बिजनेस है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले हर किसी का क्वेश्चन होता है कि काम क्या करना है, काम कैसे करना है, पैसे कैसे मिलेंगे और कितने मिलेंगे। मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस MLM, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है इस इंडस्ट्री को, और कुछ लोग इसे जोड़ने वाला काम भी कहते हैं। दोस्तों, आपको सिंपल शब्दों में बताएं तो नेटवर्क मार्केटिंग एक मार्केटिंग मॉडल होती है अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने की। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सारा खेल वर्ड ऑफ माउथ का होता है। दोस्तों, ये चीजें आप बचपन से करते चले आए हो। आपको शायद याद होगा कि जब आपने एक दुकान से कपड़ा लिया, उसे पहना और आपके एक फ्रेंड ने आपसे पूछा ये कपड़ा कहाँ से लिए, बहुत अच्छा है, तो फिर आपने उसे पूरी जानकारी दी और वो भी जाकर वहां से कपड़ा खरीदा तो उसने भी पहनी, और फिर किसी ने उससे पूछा भाई बहुत अच्छा कपड़ा है, कहाँ से लिया, मुझे भी दिलवा दे। आप उस दुकान से उसे भी कपड़ा दिलवाते हैं। इस तरह सैकड़ों लोग उस दुकानदार के कस्टमर बने सिर्फ आपकी वजह से। पर दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इससे आपको कुछ फायदा हुआ? कुछ भी नहीं ना। आपने किसी हलवाई की दुकान से मिठाई ली और आपने 10 लोगों को बताया, वो 10 लोग भी मिठाई लिए और उन 10 लोगों ने 10-10 को बताया, तो 100 लोगों ने मिठाई ली। क्या आपको कुछ फायदा हुआ? कुछ नहीं मिला ना, कुछ नहीं मिला। आप बचपन से बड़े सारे प्रोडक्ट को प्रमोट करते चले आ रहे हैं, क्या आपको कभी कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या कहता है कि यदि आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा और यदि आप यहाँ पर उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, आपके माध्यम से वो प्रोडक्ट सेल होता है तो आपको कमीशन मिलता है। और इसमें कोई गलत भी नहीं है, हमें कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा तो हमने लोगों को बताया। यही इतना ही नहीं, एक और सबसे बड़ा फायदा है, आपने अपने फ्रेंड को प्रोडक्ट दिया तो आपको फायदा हुआ। लेकिन यही तक नहीं, अब आपके फ्रेंड को वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, उसने अपने फ्रेंड को भी दिया, अब यहाँ पर सिर्फ आपके फ्रेंड को फायदा ही नहीं होगा बल्कि आपको भी फायदा होगा। क्योंकि दोस्तों, कंपनी एक परसेंटेज देती है, उस समय आप जितने परसेंट के हकदार रहेंगे आपको उतना परसेंट मिलता रहेगा। दोस्तों, हर कंपनी के अपने अपने अलग मार्केटिंग प्लान होते हैं। अब दोस्तों, एक नेटवर्क में जितना भी सेल होता है, एक परसेंटेज के हिसाब से उन सभी को पैसे मिलते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि दो तरह की कंपनियां होती हैं। जी हाँ दोस्तों, दो तरह की कंपनियां होती हैं, एक सही और एक गलत। अब जो लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है, एक सही कंपनी जो होती है, वहाँ परसेंटेज मिलता है टर्नओवर के हिसाब से। यदि मेरे नीचे 1 करोड़ का टर्नओवर हुआ तो मुझे उसका परसेंटेज मिल जाएगा। यदि मैं 10% का हकदार हूँ तो मुझे 1 करोड़ का 10% यानी 10 लाख रुपए मिल जाएगा। और दोस्तों, यही वजह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बहुत पैसे कमाते हैं। और दोस्तों, यहीं पर कुछ ऐसी कंपनी होती हैं जो लोगों को सिर्फ जोड़ने का पैसा देती हैं। अगर इन्वेस्टमेंट या री इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो वो पोंजी स्कीम होती है। अब दोस्तों, आपको यहाँ समझना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में और पोंजी स्कीम में अंतर क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट का प्रमोट होगा या सर्विसेज का प्रमोशन होगा या आपके नीचे टर्नओवर होता है तब पैसे मिलते हैं आपको। लेकिन दोस्तों, पोंजी स्कीम के अंदर क्या होता है कि लोग पैसे लगा रहे होंगे, प्रोडक्ट और सर्विसेज का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा होगा, तब भी अगर आपको पैसे आ रहे हैं, री इन्वेस्टमेंट का पैसा आ रहा है, तब जान लो गलत हो रहा है। वहां पर आपको सतर्क हो जाना है दोस्तों, आपको वहां पर सावधान हो जाना है।
दोस्तों एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात की नेटवर्क मार्केटिंग में पैसो इनकम आता है। दोस्तों एक होता है पैसो इनकम और एक होता है एक्टिव इनकम। अब दोस्तों एक्टिव इनकम क्या होता है? आप काम करते रहेंगे आपको पैसे आते रहेंगे, मतलब जब तक आप काम करते हो तब तक पैसे आते हैं। जैसे जॉब हुआ या कोई अदर वर्क हुआ, कोई भी ऐसा काम जहां आप काम करते रहो और पैसे आते रहें वो एक्टिव इनकम हुआ। और पैसो इनकम में क्या होता है? आप एक बार काम कर देंगे, एक बार नेटवर्क बना देंगे तो आप कहीं भी रहो इनकम आना नहीं बंद होगा। दोस्तों क्यों? क्योंकि आपके नीचे काम होता रहेगा। बिजनेस में भी आप करोड़ों लगाकर 8-10 वर्कर रखकर लाखों कमा सकते हैं, और अगर करोड़ों कमाने हो तो अरबों लगाने पड़ेंगे। यदि आप इतना लगा सकते हैं तो दोस्तों मैं कहूंगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को मत करिए, क्योंकि यहाँ पर हर किसी को जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, चाहे वो कितने भी पैसे वाला क्यों ना हो। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आप हजारों लगाकर करोड़ों या अरबों कमा सकते हैं। दोस्तों कम पैसे लगाकर ज्यादा पैसे कमाने का रास्ता है यह नेटवर्क मार्केटिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सीखने का बिजनेस है। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सीखने का बिजनेस है। जितना अच्छा आप सीख जाओगे उतना अच्छा आप कर जाओगे। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिए। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्त यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्त इस तरह के जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों।